शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। साहब, मेरे बड़े भाई को समझाइए कि बाप की दौलत में जितना इनका हक है उतना हमारा भी है। मैं 50% से कम नहीं लूंगा। अरे ऐसे कैसे दे दूं? मैं 30% से ज्यादा बिल्कुल नहीं देने वाला। इसके लाखों के कर्जे भी तो मैंने चुकाए हैं। मैं 50% से बिल्कुल कम नहीं लूंगा। क्या मेरे परसेंटेज ज्यादा है? भाई के लिए कुछ परसेंटेज और बढ़ाऊं? 10% और बढ़ा दूं? ठीक है, आप कहते तो 40% दे देता हूं। बिल्कुल नहीं, मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। देखा आपने, आपकी बात किस तरह टाल रहा है। चलो साहब, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्राइम भी करता हूं और लॉ से खिलवाड़ भी, इसीलिए तो मुझे शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर कहा जाता है। हराम जादे, तूने मेरे भाई को मार डाला। अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू और क्या करता?
अरे भाई, मैंने तुम्हारे भाई को कितनी बार समझाने की कोशिश की कि 40% हिस्सा ले लो, लेकिन नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। बेचारे ने जान गंवा दी, लेकिन मैं जिद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जिद करने का अंजाम बुरा होता है। मुझे जायदाद का 40% हिस्सा मंजूर है। हराम जादे कमीने, अरे एक तो तूने मेरे भाई को मार डाला, अब ऊपर से तू इस जायदाद में से 40% हिस्सा भी मांगता है। अरे जायदाद का तेरे बाप की है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी है, और इस रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशान भी तुम्हारे हैं। ये सबूत और मेरी गवाही तुम्हें अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। रुपया बहुत बड़ी चीज है, मगर जान से बढ़कर नहीं। पेपर पर साइन करोगे? करोगे? लो करो। नमस्ते सीमा देवी। नमस्ते मिस्टर चावला। कहिए, कैसे आना हुआ? एक बहुत जरूरी काम था। कहिए। मेरे पति धनराज बहुत जल्दी आपसे वसीयत बनवाने वाले हैं। दान पुण्य का उन्हें बहुत शौक है, लेकिन मुझे मैं चाहती हूँ सारी जायदाद मेरे ही नाम पर हो जाए। खाने में जितना नमक हो उतना भी दान पुण्य में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा? और कुछ? एक और जरूरी बात, जो बरसों पहले मर चुकी है उसका नाम कब तक जिंदा रहेगा? बंगले के कागजात पर सावित्री की जगह मेरा नाम आना चाहिए। जरूर जरूर, आज तक मैं आपका काम करते आया हूं, इसके बाद भी करता रहूंगा। बाय द वे, बलराम कौन सी ईयर में है? फोर्थ ईयर में। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा मैडम, मेरा मेहनताना, वैसे मेरी फीस ज्यादा नहीं है, बस चंदन जितनी है, आपको अदा करते हुए बहुत खुशी होगी। अच्छा, नमस्ते। हेलो आंटी, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? तुम कैसे हो? अभी ठीक हूँ, बाय बाय। चलो ड्राइवर। डैड, ये सीमा देवी क्यों आई? जिस किस को झूठ और बक्कारी से दौलत हासिल करनी हो ना, वही मेरे पास आता है। चावला साहब, हरी सेठ आपसे मिलने हैं। क्या बात है हरी सेठ, सुनाओ कैसे हो? सेठ, तूने तो मुझे रास्ते का भिखारी बना दिया है। चावला, तूने मुझे झूठे कत्ल के इल्जाम में ऐसा फंसाया कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। या तो सिर्फ मैं जेल चला जाता, या सारी दौलत तेरे नाम कर देता। और तूने अकलमंदी से अपनी जान बचा ली और अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। लेकिन जो मैं भूखा मर रहा हूं उसका क्या? अरे सेठ, चावला इतना जालिम नहीं, कल सुबह फैक्ट्री में चले जाओ, बंटी से मिलो, वो तुम्हें किसी काम पर लगा देगा। चावला, शेर भूखा तो मर सकता है लेकिन घास नहीं खा सकता। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहने आया था कि इतना जुल्म मत करो, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो खुद जालिम को मिटा देता है। जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा, फिलहाल ये जुल्म है, इसलिए बेहतर यही है यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एक सबूत है जिसके जरिए मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में भिजवा सकता हूँ। नाउ गेट आउट, गेट आउट। ठीक है चावला। सेठ, क्या बात? हमारे सीए का फोन आया था, कह रहा था कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिसर को नहीं खरीद सका, इसलिए हमें करोड़ का टैक्स भरना पड़ेगा। इसमें डरने की क्या बात है, एक फैक्ट्री को उड़ा दो, एक्सीडेंट बना दो उसे, इनकम टैक्स से भी बच जाओगे और इंश्योरेंस से लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ये काम आज रात को ही हो जाएगा।
कौन थे? पता नहीं कौन थे, लेकिन इस फैक्ट्री को बॉम्ब से उड़ाना चाहते थे। ये हमारी किस्मत थी, हमेशा अपनी आंखें खुली रखने वाले और मजदूरों का भला चाहने वाले आप जैसा यूनियन लीडर हमें मिला है। वो तो ठीक है, लेकिन आगे से तुम लोग भी होशियार रहना। हाँ। क्या यूनियन लीडर सिकंदर ने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया? कोई बात नहीं, तुम्हें काम करो, मजदूरों का पगार कम करने का ऐलान कर दो। लेकिन सर, इससे तो मजदूर हड़ताल कर देंगे। यही तो मैं चाहता हूं। मगर इससे होगा क्या? जब हड़ताल लंबी खींचती है, कोई फैसला नहीं होता, तो क्या होता है? तो लॉकआउट हो जाता है। लॉकआउट का मतलब फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद। तो फिर कैसा काम, कैसा मुनाफा और कैसा इनकम टैक्स? वाह चावला साहब, आप वाकई क्रिमिनल लॉयर हैं। ठीक है, मैं अभी फैक्ट्री जाकर ये ऐलान करता हूँ। हमारी फैक्ट्री के मालिक चावला साहब को पगार कम करने का कोई हक नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर भी हमने कभी पगार बढ़ाने की बात नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खामोश रहेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और उसका एक ही जवाब है, हड़ताल। बोलो, मजदूर एकता, मजदूर एकता। अरे सिकंदर भाई, नमस्ते। प्रणाम माँ जी। जीती रहो बहू। अरे सिकंदर बेटे, सुना है तुम्हारी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई है? हाँ माँ जी, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द हड़ताल खत्म हो जाएगी। और सुनाओ राम, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बस आखिरी साल है सिकंदर भाई, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। डिग्री हासिल करते ही नौकरी की तलाश करूंगा और अपनी माँ को दुनिया भर का आराम दूंगा। दूसरे पास हो जा, नौकरी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा बड़ा भाई है ना, अच्छी से अच्छी नौकरी पे लगा दूंगा। थैंक यू सिकंदर भाई। थैंक यू नहीं बोलने का। क्यों माँ जी, बोलेगा? नहीं बोलने का। अरे माँ, मेरे कॉलेज का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। अच्छा सिकंदर भाई। अच्छा भाभी, नया साल, इसमें काफी नई लड़कियां आई, नए पंछी और पुराने शिकारी। रघु, जाल तैयार है? यस। तो डाल दे, मैं ताना डालता हूँ। कुछ बजा। ओके। ए यू, कम यहाँ। क्या बात है? बात कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंटरव्यू लेना।
अच्छा ये बताओ कि आसमान पे चांद कब दिखता है? जब आसमान खुला रहता है। हाँ, जब आसमान खुला रहता है। साइज 36। कम या यू आर अ नाइस स्वीट गर्ल। नाउ गो रघु। यस बॉस। बालकनी का काम खत्म हो गया, बेसमेंट में आ जा। ओके बॉस। ए सूरीपाई, कम या कम। वाओ, क्या नाम है तुम्हारा? निम्मी। निम्मी, बड़ा अच्छा नाम। थैंक यू। जो भी अंडर एज है सब निकल ले यहाँ से। क्या ये फिल्म जरा अडल्ट है? क्या कॉलेज में फिल्म शो है? नहीं, फिल्म शो नहीं, फिल्म की शूटिंग है। बस कैमरा लगने वाला है। और कौन अबे? सेंसर बोर्ड जो माँ बहनों की इज्जत उछालने वालों पर अंकुश लगाता है। चुपचाप यहाँ से कम हो जा वरना कंधों पे खर जाएगा, क्या समझा? अरे मैं तो ये कह रहा था कि अपने दिमाग के कीचड़ को शराफत के पानी से धो डालो वरना इंसानियत गंदी हो जाएगी। इंसानियत की छोड़ और अपनी जिंदगी की फिक्र कर। अरे भाई आना दिखाता है। शीशा देखा है? झड़प तोड़ दिया। जल्दी गिर गए? रुक रुक हम। इसके लिए तो इतना ही काफी है। सुन बच्चे, ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर समझा। हाँ। वरना अगली बार इससे ज्यादा पिटाई होगी। हाँ। चल बलराम। आराम। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। जहाँ भी जाए धूम मचाए हम तो है यारों के यार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। जहाँ भी जाए धूम मचाए हम तो है यारों के यार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। We'll be right back.
याराना है हमको जान से भी प्यारा, मरते दम तक छूटे कभी साथ ना हमारा। हम दोनों जाए जहाँ देखे हमें सारा जहाँ, हम है हवा के झोंके कभी यह कभी वह, हमको रोक नहीं पाएगी दुनिया की कोई दीवार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार, अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। रंग है हजार कोई क्या पहचाने हमको, सीने अपने फौलाद दिल वाले ही जाने हमको। शैला को भी लैला को भी मिस्टर को भी मैडम को भी हरे को भी फोटे को भी छोटे को भी बड़े को भी प्यार से ही देखा है सबको, हम दोनों ऐसे दिलदार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार, जहाँ भी जाए धूम मचाए हम तो है यारों के यार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार, जहाँ भी जाए धूम मचाए हम तो है यारों के यार। अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार, अपनी यारी अपना प्यार जाने ये सारा संसार। माँ, राम बेटे कहाँ था इतनी देर तक? बलराम के साथ था माँ, एक ही तो दोस्त है मेरा। कौन है तेरा दोस्त? हमेशा उसका नाम सुनती रहती हूँ, कभी घर पर तो लेकर आ। अरे माँ, बहुत बड़े घर का लड़का है वो। बड़े घर का? हाँ माँ। क्यों, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे, इन अमीरों से दूर रहे बेटे, इनकी संगत हम गरीबों को रास नहीं आती। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया माँ? बलराम ऐसा लड़का नहीं है, उसे अपनी अमीरी पर जरा भी घमंड नहीं है। हमारे दरमियान अमीरी गरीबी की दीवार कभी नहीं आई। माँ, आखिर तुम्हें इन अमीरों से इतनी नफरत क्यों है? मैं अमीरों से नहीं, दौलत से नफरत करती हूँ बेटे। दौलत दिल की दीवारों में दरार पैदा कर देती है। हो सकता है बलराम अच्छा लड़का है, पर दौलत अच्छी नहीं है बेटे। जहां तक हो सके इन अमीर लोगों के साथ से भी दूर रहे। हाय हैंडसम। हाय। पूछ। मैं? तू पूछना। क्या बात है? दरअसल मुझ में और मेरी सहेलियों में एक शर्त लगी है। शर्त? कैसी शर्त? मैं कहती हूँ आप वही है ना जिसने इंडिया की तरफ से 400 मीटर की रेस में भाग लिया था और फर्स्ट भी आए थे। और हम कहते हैं कि आप वो नहीं है। हाँ, उनकी शक्ल आपसे जरूर मिलती है। फिर वही बात, मैं कहती हूँ आप वही है। मैं तो आपके भागने की स्टाइल की फैन हूँ। आप वही है ना प्लीज? लगता है ये खूबसूरत लड़की किसी गलत फहमी का शिकार हो गई है। फैन भी है, फैन से लवर बनने में कितना टाइम लगता है। देखा गीता, तेरी बात गलत निकली ना। क्यों, है ना भाई साहब? जी नहीं, आपकी फ्रेंड ने मुझे सही पहचाना। हाँ, मैं वही हूँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं आता। प्लीज आप मेरी सहेलियों के लिए और मेरे लिए एक मिनट में उस गली के पेड़ को टच करके वापस आ जाइए ना। एक मिनट मतलब 60 सेकंड? अरे मैं तो 40 सेकंड में उस पेड़ को छू करा सकता हूँ। तो ये लीजिए। ये पर्स क्यों? मैं आपकी मेहनत पर पानी फिर से नहीं देख सकती। मेरी सहेलियों का क्या भरोसा, कह देंगे कि आपने उस पेड़ को हाथ ही नहीं लगाया वैसे ही लौट आए। आप क्या करना, सबूत के तौर पर ये पर्स उस पेड़ पर छोड़ के आ जाना। ओके, तो चलिए
फिर तैयार हो जाइए। 1, 2, 3। लड़की फंसी रहे। चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चोर पकड़ो। चोर 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 पकड़ो चोर पकड़ो। क्या हुआ? वो मेरा पर्स लेके भाग गया। अच्छा, चोर चोर पकड़ो। पर छोड़ के भाग गया। चलो मेम साहब को देते हैं। मेम साहब, ये रहा आपका पर्स। थैंक यू थैंक यू। वो चोर कहाँ गया? वो तो भाग गया। एनीवे थैंक यू जी, थैंक यू। चलो 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 चलो। किस्मत अच्छी थी, बच गया। फिर भी ऐसा सबक सिखाया है, किसी लड़की के सामने अकड़ नहीं दिखाएगा। कैसी अकड़ दिखा रहा था? मैं वही हूँ। चलो तूने मुझे ये फंसाने के लिए किया था? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो दोबारा मिलेगी, तब देख लूंगा। देख गीता, क्या हुआ? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, इसलिए जो कह रही हूँ तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू ये गलत हरकतें छोड़ दे। दीदी, जिंदगी तो सिर्फ चंद दिनों की है, हंस खेल कर गुजारनी चाहिए। हंसी हंसी में जो जिंदगी गुजारी जाती है ना, वो आगे जाके बहुत रुलाती है। कौन रो रहा है भाई? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई नहीं रो रहा, लेकिन आगे जाके आप अपना हाथ सर पे रख के जरूर रोने वाले हैं। क्यों, मेरे सर पे चोट लगने वाली है क्या? ओ डैडी, मजाक छोड़िए और गीता को समझाइए। पढ़ने के बजाय सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ कहाँ भटकती रहती है? मैं भटकती नहीं, भटकतों को रास्ता दिखाती हूँ। रास्ता दिखाती हूँ, रास्ता नहीं दिखाती, लोगों को बेवकूफ बनाती है। देख गीता, मैं फिर कह देती हूँ, तो किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। मैं एक बात बोलूं, मैं तुम दोनों को देखता हूँ ना, तो मुझे तुम दोनों की माँ की याद आती है। उसे भी ऐसे लड़ने का बहुत शौक था। मैं आपको गीता के रंग ढंग बता रही हूँ ताकि आप उसे समझाएं। और आपको, आपको माँ याद आ रही है? इस घर में तो कोई भी मेरी नहीं सुनता। मैं जा रही हूँ कॉलेज। मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किताब लिखने जाता हूँ, कॉलेज बंद करने के तरीके। दलजी? कौन दलजी? अच्छा अच्छा वो जिसे अपने बाप ने अपनी दौलत से बेदखल कर दिया था, फिर हमने उसके बाप को इस दुनिया से बेदखल कर दिया और बेटे को दौलत दिलवाई, वो दलजी? अच्छा अच्छा वो। जी सीमा देवी ने बोनस भेजा है और कहा है कि अगले साल फूटी घोड़े भी नहीं मिलेगी। अरे मजाक करती है वो, सीरियसली मत लेना तुम। मेरा आदमी और खाली हाथ। वो हरामजादी मीनाक्षी देवी जिसकी हमने मदद की, उसके पति के साथ जबरदस्त एक लड़की को सुलाकर उसकी वीडियो कैसेट निकाली और उस सबूत के जरिए उसको तलाक और करोड़ों रुपए की दौलत दिलवाई, उस कमीनी मीनाक्षी देवी ने मेरे आदमी को खाली हाथ भेजा। सर, मीनाक्षी देवी ने मुझे पैसे दिए थे, मगर 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 क्या मगर क्या? मगर मैं पैसे लेकर आपके पास आ रहा था, रास्ते मुझे 3-4 गुंडों ने घेर लिया और मुझे लूट लिया। मैं जुर्म की दुनिया का हेडक्वार्टर हूँ, हेडक्वार्टर, और तू मुझसे झूठ बोलता है। इसके लाश को ठिकाने लगा दो। अंकुश, इसके घर जाकर पैसे लेकर आओ। लगता है दुनिया में बेवकूफों का अकाल सा पड़ गया है। आएगा बेवकूफ, आएगा, बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मगर सर, यहाँ कहाँ, ये वो जगह नहीं है। ठाक, कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ तुम ये देखोगे कि तुम्हारा ये बॉस ये केस कैसे हैंडल करता है। फॉलो मी। You're fooling yourself. आगे चलो। You fool. You're पड़ोसी fool. You're कुत्ता fool. वेटर। अरे वेटर, I'm not वेटर। हम यहाँ का मैनेजर है, मिस्टर वासु। What can I do for you? हमको पहचानते हो? जी नहीं। यही तो हमारी खूबी है कि हमें कोई नहीं पहचानता, हमें कोई नहीं जानता। हम पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं और तुमको अरेस्ट करने आए हैं। मुझे अरेस्ट? मगर मैंने क्या किया सर? हमें खबर मिली है कि इस होटल के अंदर ऊपर वाले कमरों में लड़कियों का धंधा होता है। ओ, समझ गया साहब,
यहाँ ना ऊपर कमरा है ना यहाँ कोई धंधा होता है यहाँ पर। ऊपर जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ है ये सीढ़ियाँ कहाँ गई? सीढ़ियाँ कौन सी सीढ़ियाँ? यहाँ ना कोई सीढ़ी थी ना कोई सीढ़ी है। लगता है तुमने हटा ली, लेकिन ऊपर बने हुए कमरों का क्या करोगे? है? कमरे जरा देखो। अरे छत के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है तो कमरे कहाँ से आएंगे? तो रातों रात कमरे भी तोड़वा दिए? तुम पुलिस स्टेशन से आए हो या पागलखाने से? ये होटल नहीं रॉयल रेस्टोरेंट है। रॉयल रेस्टोरेंट हो या रॉयल होटल हो, क्या नाम बताया आपने? रॉयल रेस्टोरेंट। ये पायल होटल नहीं है? जी नहीं, ये पायल होटल नहीं है, ये रॉयल रेस्टोरेंट है। आप चाहें तो बाहर जाके बोर्ड पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं। यू आर अ स्मार्ट मैनेजर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किसने भर्ती किया? बोले जी, आपने मुझे पहले ये बताया क्यों नहीं कि ये पायल होटल नहीं है? अरे साहब, हमने कितना कोशिश किया आपको बताने का कि पायल नहीं है, घायल लोगों के आने की जगह है। कोई बात नहीं, follow me। La 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 la, hello, namaste। Hi handsome। आपने मेरे को handsome कहा? Of course। इस सारे होटल में आपसे ज्यादा handsome नौजवान और है कौन? तारी। हवलदार बोलते हैं, लिखो। एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत लड़की ने हमारी तारीफ की, क्या हम बैठ सकते हैं? हमारी खुशकिस्मती। शुक्रिया। मेरा नाम कड़क सिंह है। कड़क? अब तो किसी तरफ से मुझे कड़क नजर नहीं आते कमिश्नर साहब। मैं कमिश्नर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। इम्पॉसिबल। आपकी पर्सनालिटी, आपके चेहरे का रोग, ये साफ बताता है कि आप ही कमिश्नर साहब हो। ये तो आपका प्यार है। अब अंदर बोलते ही yes, sir। लिखो। क्या लिखूं? ये भी बोलना पड़ेगा, सुन नहीं रहे थे कि ये खूबसूरत लड़की क्या कह रही थी कि हम इंस्पेक्टर नहीं कमिश्नर। आप चाय पीएंगे? जी नहीं, हम तो आइसक्रीम खाएंगे। प्लीज। ठीक है ठीक है, आपकी प्लीज में तो पूरी पुलिस का फोर्स है। अभी ऑर्डर करता हूँ। वेटर, इन खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के लिए हर किस्म की आइसक्रीम लेकर आओ और मेरे लिए चाय। ओके सर, गो। आइसक्रीम ना? हम अभी हाथ धो के आते हैं। नो प्रॉब्लम, कम फास्ट, आई एम वेटिंग। ऑलराइट। हवलदार, यू सी शी टोल्ड मी आई एम द मोस्ट हैंडसम मैन इन द कंट्री ऑफ द नेशनल स्पेकुलेशन। प्लीज। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, यू सी वेटर, आई एम अ हैंडसम मैन। एक चाय का बिल 800 रुपया। बिल देख लिया ना, अब बिल पे कर दीजिए। अरे मैं कैसे बिल पे कर दूं? मैंने तो सिर्फ चाय पी है। ये बिल लड़कियों का, वो अभी आती होंगी। नहीं, वो नहीं आएंगी, वो चली गई। आप बिल पे कर दीजिए। वो चली गई तो मैं क्या करूं? आपको बिल पे करना पड़ेगा। अरे मैंने आइसक्रीम थोड़ा खाई है जो मैं बिल पे करूं? ऑर्डर आपने दिया है तो बिल पे आपको ही करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा? हाँ। तुम शायद नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ इंस्पेक्टर खड़क सिंह। खड़क सिंह? yeah। और आप ये जानते हैं कि होटल किसका है? किसका है? कमिश्नर साहब का। हैंडसम कमिश्नर। ये तो क्या लिख रहा है? सर आप ही ने तो कहा था कि मैं आपके बारे में लिखूं। मैंने कहा था मेरी सिर्फ तारीफ के बारे में लिख, मेरी दुर्गत के बारे में मत लिख। मैं आपकी तारीफ ही तो लिख रहा हूँ। पता क्या लिखा है? मैंने इसमें लिखा है कि आपको बर्तन धोते हुए देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा आपका खानदानी बर्तन धोने वाला है। कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो नहीं तो मुझे धोना पड़ेगा। अब तो मेरा कमाल देख। जा जा जा। एक और बकरा आ रहा अभी। इस बार सिर्फ गिराया है बच्चे, अगली बार किया तो गाड़ दूंगा। रामजादे, उन्हें पंटी से पंगा लिया है। अब देखते हैं कौन किसको काटता है। क्या बात है भाई, रास्ता क्यों रोका? तेरे को ऊपर का रास्ता दिखाने के वास्ते। परेशान प्रति करता है तू, बड़ा हीरो बनता है रे। हाँ, जानता है जिससे तू पंगा ले रहा है वो कौन है?
वो हमारे मालिक का बेटा है बंटी, समझा? तो मैं क्या करूं, चाहे जाके उनके तलवे चाट। हम उनके तलवे भी चाटते हैं और उनके दुश्मनों की जान भी लेते हैं। थैंक यू नहीं बोलने का, लेकिन ये सब चक्कर क्या है? कुछ नहीं सिकंदर भाई, कुछ बड़े बाप की औलादें कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं बस ये सब कुछ करने आती है। बस सिकंदर भाई, माँ को मत बताना प्लीज, वरना खामा खा डर जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन होशियार रहना। ठीक, चल। लो चाय पियो। सोचा था आज फैसला हो जाएगा तो हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब ठीक हो जाएगा सिकंदर। 2 महीने हो गए हड़ताल को, तमाम मजदूर भाई मुझ पर ही आस लगाए बैठे हैं। कल तक उनकी आंखों में उम्मीद की झलक थी, अब उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता भूख, बेकारी और बर्बादी का डर झांकने लगा है। ऊपर वाले ने शायद हम गरीबों की तकदीर कोयले से लिख दिए। सिकंदर, तुम ही हिम्मत हार गए तो दूसरों का क्या होगा? जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। सुनो सिकंदर, तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। तुम ही इतने परेशान रहते हो, समझ में नहीं आता कैसे बताऊं। क्या बात है? मैं माँ बनने वाली हूँ। सच कांता? तुम्हारी ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे दुखों के बादलों से खुशी का सूरज निकला हो। अगर हम सब की तकदीर जोर नहीं लगा रही है, शायद आने वाला हमारे लिए खुशियों का पैगाम ले आए। नजदीक आओ कांता, मैं अपने आने वाले बच्चे को छूकर महसूस करना चाहता हूँ। जाने दो, पहले प्यार का मस्का मारो, बाद में प्यार का इम्तिहान दो तब। क्यों? अब भी सिकंदर के प्यार पर भरोसा नहीं? अभी भी प्यार का इम्तिहान बाकी है।
गया है। क्या हुआ? जो उस दिन बेवकूफ बनाया था वही आ रहा है। हंस गए। डरो मत, नहीं होगा। अब तो मेरा ड्रामा देखना। तुम वही हो ना जिसने मुझे अरे क्या हुआ? मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम रो रही हो। तुम लोगों ने मुझे पिटवाने का पूरा इंतजाम किया था और अब रो रही हो हैं? अब रोने को और क्या करें? हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। भूल? तुम लोगों ने मुझे फंसाने का पूरा प्रोग्राम किया था। फंसाना था, मार भी खिलानी थी, मगर तुम्हें नहीं, उसको। उसको? उसको? उसको किसको? उस धोखेबाज को जिसने मेरी बड़ी बहन को प्यार में फंसाया था और धोखा देके चला गया। हमने भी कसम खाई थी कि हम उसे सजा देंगे और धोखे में हम आपको वही समझ बैठे। ठीक है रोना बंद करो। मैं भी यही सोच रहा था कि आप लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी है कि आप लोगों ने मुझसे ऐसा किया, लेकिन मैं अभी समझ गया। समझ गए ना, तो अब हमें माफ कर दो। चलो माफ कर दिया। How sweet, मगर ऐसे नहीं, पहले आपको हमारी दावत कबूल करनी होगी, तभी हम समझेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया। Well, as you say. So sweet, और खाने का ऑर्डर आप ही देना। हम सब आपकी पसंद का खाना खाएंगे और बिल हम ही देंगे। एहतल, हटना। Come please sit down. Well, it's all my pleasure. Waiter! Yes, Waiter, sir. इन सब के लिए इंडियन चाइनीज थाई मुगलाई सब आइटम इधर लेके आओ। ओके सर। वाह क्या सिलेक्शन है, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन का खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया। चलो फ्रेंड्स हम अभी हाथ धो के आते हैं। एक्सक्यूज मी। साहब आपका बिल पे कर दीजिए। बिल? मैं क्यों पे करूं? अरे खाना तो उन लोगों ने खाया था। खाना खाया था ना, वो चली गई। चली गई? हाँ, बिल पे कर दीजिए। अरे उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। भाई आप हमको क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आप बिल पे कर दीजिए। ये मैंने कब कहा? फिर बिल पे कर दीजिए। तुम्हारी जुबान तो रिकॉर्ड में अटक गई है। अगर रिकॉर्ड को आगे बढ़ाना है ना तो बिल पे कर दीजिए। बस बस तुम्हारा बिल मैं पे करता हूँ। अच्छा अच्छा भाई अब क्या हुआ? मेरा पर्स। पर्स? पुलिस। लड़कियों ने तुम्हारा पॉकेट मार दिया। जी हाँ। चाहे नीचे अगर आती होती तो वो लड़कियाँ इस किस्म की हरकतें करती? मैं इन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, आदमी होकर लड़कियों से बेवकूफ बनकर आ गए, मर्दों का नाम खराब कर दिया। अरे मुझे क्या मालूम था इतनी खूबसूरत लड़की ऐसा धोखा देगी। अच्छे लड़की का दूसरा नाम है धोखा और धोखे का पहला नाम है लड़की। अच्छा बताओ हुआ क्या? मैं रॉयल रेस्टोरेंट गया। क्या हो गया आपको? रॉयल रेस्टोरेंट? जी हाँ, मगर आपको क्या हो गया? वो खटमल 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 बहुत बड़ा खटमल था, रॉयल खटमल। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वही मुझे वो लड़कियां मिली जिन्होंने बड़े प्यार से हैंडसम कहकर पुकारा। क्या हुआ फिर? खटमल ने काटा? ए, हमारे साहब को हमेशा खटमल ही काटेगा क्या? आपके मच्छर ने काटा है। अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था। एक मिनट एक मिनट, पहले उन लड़कियों ने तुम्हें अपनी हरकतों से उलझा लिया। करेक्ट। फिर अपनी अदाओं से तुम्हें फंसा लिया। करेक्ट। और तुमने अपना कॉलर टाइट कर लिया। फिर उन्होंने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया और खाना गपा गप खा लिया और उसके बाद बोली, एक्सक्यूज मी हैंडसम, हम हाथ धो के आते हैं। हाँ, ये कहा था। और फरार हो गई और बिल तुम्हारे गले पड़ गया। बिल्कुल करेक्ट। लानत है इस नौजवान पे। मगर आपको ये सब कैसे मालूम? आप भी उन लड़कियों के शिकार बने हैं? हम शिकार बनते नहीं, हम शिकार करते हैं। ये तो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो दूसरे पर बीतती है वो हम ऐसे बयान करते हैं जैसे हमारे खुद पर बीत रही हो। और हम हमारे साहब का एक और भी एक्सपीरियंस है। उन पर जो बीतती है वो दूसरे को ऐसे सुनाते हैं जैसे उस पर बीती हो। हवलदार। ये सर, हम बोलती बंद कर देते हैं। अब हम आपको इस कहानी का क्लाइमेक्स सुनाते हैं। ये सब होने के बाद तुम किचन में जाकर उस रेस्टोरेंट के सारे बर्तन घिस रहे थे। गलत, क्योंकि मैंने बिल पे कर दिया था और वो भी जानते हो कैसे, अपनी घड़ी गिरवी रखकर।
क्योंकि उन लड़कियों ने मेरी पाकड़ी मार दी थी। क्या तूने उसकी पॉकेट मार ली? हाँ, क्यों? क्योंकि बच्ची, ये तूने क्या किया? अब वो होटल का बिल कैसे देगा? चलो होटल चल के देखते हैं। अरे बलराम, क्या हुआ? अरे राम, तू यहाँ? अपने कॉलेज का वो वीरू है ना, उसने तुझे यहाँ आते हुए देखा था। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं यार, कंप्लेंट लिखवाने आया हूँ। डोंट वरी, मैं एक नहीं दो दो कंप्लेंट लिखूंगा। दो दो? एक तुम्हारी और दूसरी तुम्हारी। क्या तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जाओ। जो सर, मैं भी नहीं समझा। उल्लू के पोते। समझ गया सर, नेक्स्ट। अबे अबे कहाँ जा रहे तू? वो लड़की। कौन सी लड़की? अरे जो ड्राइविंग कर रही है। तुझे उसका नाम मालूम है क्या? अरे नाम कहाँ पता है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, मालूम हो जाएगा। मैंने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, GGG597। कसम हैदराबाद का चार मिनारा का, अरे क्या तेरा पाँव थरता रे? ये तो कुछ नहीं है ऊंचेलाल, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। कथक की जो आइटम मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ ना, उसे देख के तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। मतलब तुम बाहर को जाएगा, मुझको वापस अकेला हो ना। कसम हैदराबाद का चार मनारा का, तुमको अकेला नक्को छोड़ू। ओफो ऊंचेलाल, तुमसे बात करना तो पत्थर से सर फोड़ना है। क्या घर चौड़ना? अरे कभी कहती उधर रहना, कभी कहते घर चौड़ना। देख अभी प्रोग्राम में बहुत टाइम बाकी, तू अच्छी तरह सोच क्या करना, तब तक अपन कान दो के आता रे। ओ गॉड। अरे सुन गीता। हाँ दीदी। आज मैं एक प्रोग्राम में जा रही हूँ, तेरी गाड़ी ले जाऊं? ओके। अरे बेटी वो गाड़ी सिर्फ गीता की थोड़ी है, तेरी भी है, ले जाना तो ले जा, पूछने की जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, आप तो जानते हैं डैडी, मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही नहीं है, इसलिए गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादातर गीता ही करती है। इस तरह से गाड़ी भी उसी की हुई, इसीलिए परमिशन लेना जरूरी है। अच्छा खैर, ऊंचे मियां को साथ ले जा रही है ना? यस डैडी, वही तो गाड़ी चलाएगा। तो हॉल में एक काम करना, वो जो स्पीकर होता है ना उसका वॉल्यूम ऊंचा करके रखना। क्यों? अरे बहरा ऊंचे मियां, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा तो सो जाएगा, और उसके बाद ऐसे खराटे लेगा कि पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। आ गया, मैं खाना साफ करके आ गया रे। हाँ तुम रुको, मैं 10 मिनट में तैयार होकर। तैयार होकर आते है? सुन लिया। हाँ तुम तैयार होकर आओ, तब तक मैं डैडी को कहानी सुनाता रे। अरे नहीं, मैं लिख रहा हूँ कहानी दूसरी। कहानी लिख रही या नावल? नाम क्या रे? और लोगों से पीछा छुड़ाने का आसान तरीका। सुना नहीं अब्बा? ऐसा नक्को बोलो प्लीज। क्या हुआ ऊंचेलाल, गाड़ी क्यों रुक गई? ये गाड़ी हमने रोका, खुद बाको तो रोका गया। स्टॉप। क्या हुआ? हवा, कार में हवा है। ये पेट्रोल है, गाड़ी में पेट्रोल है। क्या तो पेट्रोल पंप से भरवा ले? भरवा ले। ओ अम्मा, हैदराबाद का चार मनारा किया, हमारा घर वाला इधर रह जी, हैदराबाद में दो बीवी एक बच्चा। ओहो, मैं भी किसे साथ ले आई, वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होता ही होगा, अब क्या करें? धक्का मारना। ओए अम्मा, पेट्रोल पंप 10 मील दूर जी, और हमारा पेट देखो, हमारा वाइफ हमको बोला अगर हम अपना पेट कम नहीं करेगा तो इस डिलीवरी में हमारा चांस है। तुम इसे अंदर डालो, मैं खुद ही टैक्सी ढूंढती हूँ। GGG597। अच्छा तो यही वो लड़की है। अहिरो रुका। हाय, एनी प्रॉब्लम? और क्या है जी, हम लोग का प्रोग्राम देखने को जाता, हमारा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इनको थोड़ा लिफ्ट देने को। अच्छा, माय प्लेजर। आपको जाना कहाँ है मैडम? जी नेहरू सेंटर। नेहरू सेंटर जी। आइए। थैंक यू। हम किधर हैंडल है? हैंडल पर। लेकिन ऊंचा लाल, देखिए मैडम, मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा सीट होती है, और आप दो हैं। आपको नेहरू सेंटर जाना है तो आप ही आइए, और आप अपनी गाड़ी लेकर वो। हाँ गाड़ी लेकर आप, पेट्रोल डाल को घर चला जाऊं, यही ना जी। समझदार आदमी है। आइए जी। पाँव हम अकेला इधर चोड़ गया। Thank you.
सबक सिखाने के लिए, ताकि तुम्हें पता चले कि परेशानी क्या होती है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे नहीं, मेरे दोस्त बलराम को तुमने बेवकूफ बनाया है। बलराम? कौन बलराम? मैं किसी बलराम को नहीं जानती। तुम्हें जरूर को गलत फहमी हुई है। एक मिनट एक मिनट, तुम जरूर मुझे मेरी छोटी बहन गीता के धोखे में यहाँ लाए हो। ऐसे उल्टे सीधे काम वही करती है। शराब, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम। रात भर तुम इस भूत बंगले में अकेली पड़ी रहोगी तो सुबह तक खुद ब खुद सुधर जाओगी। लेकर आई ईटा कहाँ है? डैडी, दीदी और ऊंचालाल जब प्रोग्राम देखने जा रहे थे ना, तो गाड़ी में अचानक ही पेट्रोल खत्म हो गया। जैसे उसने गाड़ी रोकी, एक लड़का लिफ्ट के बहाने दीदी को बिठा के ले गया। तब से दीदी का कुछ पता ही नहीं। क्या? हेलो। हेलो नहीं, मैं आपकी बेटी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी तरह हिल जाएगी। कौन हो तुम? क्या किया है मेरी बेटी? वो लोगों को बेवकूफ बनाती है और उनकी पिटाई तक करने की साजिश रचती है। उसने मेरे दोस्त को बेवकूफ बनाया है। और तू उल्लू का पट्टा बन गया? अरे बापरे, ये तो गड़बड़ हो गई। अबे गधे, जो लड़की दुनिया को बेवकूफ बनाती है वो लड़की मेरे बाजू में यहाँ करीब खड़ी है, और वो जो तेरे पास है वो इतनी सीधी है कि मुझे उस पर नाज है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर को पुण्य किया होंगे कि भगवान ने मुझे जन्म में ऐसी बेटी दी। समझा? आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी अभी तक सही सलामत है। उसकी सलामती में ही तेरी भलाई है। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो इतना याद रखना कि मैंने तेरी आवाज सुन ली है। फिर तू दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, मैं तुझे चुटकियों में ढूंढ निकालूंगा। याद रखना है। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, मैं अभी आपकी बेटी को आप तक पहुंचा देता हूँ। जी हाँ। बात करने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो अपने आप से जिंदगी भर शर्मिंदा रहता। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ किया? अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। अभी नहीं, सुबह। रात भर हमें यहीं सोना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? पहले तो नहीं था, लेकिन अब है। थैंक यू। तुम यहां सो जाओ, मैं वहां सो जाता हूं। Thank you.
देती है मुझको तू फूलों की छड़ी, हाँ साजा क्यों है मुझसे दूर खड़ी, टिक टिक बोले मेरे दिल की घड़ी। सपना देख रही हो? चलो सुबह हो गए तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। आ अंदर आइए ना। अरे नहीं बाबा नहीं, अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हारे डैडी मुझे अंदर कर देंगे, मैं तो नहीं आता बाबा। वो ऐसे नहीं है। हाँ जो ऐसे नहीं होते वही ऐसे हो जाते हैं, और तुम्हारे डैड ने मेरी मोटरसाइकिल की आवाज सुन ली होगी, इससे पहले कि वो बाहर आते हैं मैं तो चला। अम्मा आज तुम्हारा हमारा जान ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो हमारा जान तो राइट प्लेस में है ना जी। अरे दीदी। अम्मा अम्मा रात भर तुम कहाँ थी? मालूम है तुम्हारे लिए हम कितने परेशान हैं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू यही जानना चाहती है ना कि मैं रात भर कहाँ थी? I'm sorry दीदी, मुझे नहीं मालूम था मेरा मजाक इस हद तक चला जाएगा। मजाक के नतीजे की कोई हद नहीं होती है गीता, इसलिए मजाक की हद बनाई गई है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आंखें उस दिन खुले जब चारों तरफ अंधेरा फैल चुका हो। जिस घर में तुझ जैसा चांद हो उस घर का अंधेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा पहले बता ये लड़का कौन था जो तुझे छोड़ने आया था? आपने देखा?
देखा ही नहीं मैंने, उसकी बातें भी सुनी। फिर मिले क्यों नहीं? अरे वो ऐसे ही घबराया होता, अगर मैं उसके सामने आता तो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग जाता। लेकिन वैसे लड़का है अच्छा। आपको कैसे मालूम? कुछ तो उसकी बातों से पता चला, और कुछ उसका जिक्र करते हुए जो तेरे चेहरे पे सुर्खी आ जाती थी उससे पता चल गया। ऊंचा लाल अम्मा इधर मैं क्या आप अंदर चला जी, क्या ऊंचा बोलना जी, मैं क्या बहरा बहरा हूँ, मशीन का बटन निकल गया सारे। ऐसे क्या देख रही है? चेहरे की लाली तलाश कर रही हूँ बस, यानी मजाक हमारा प्यार तुम्हारा। अभी तो बातें मत बना हा? आइंदा से तूने ऐसी ऐसी हरकत की ना तो मैं, अरे बाबा वादा करती हूँ अब से कोई शरारत नहीं करूंगी बस। मैं आ गई। तुम ये झटके देना कब बंद करोगी? कभी नहीं, मरने के बाद भी नहीं, तब भी मैं ऐसे ही अचानक आ जाए करूंगी। मत करो ऐसी बात, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हो तो ना जाने कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो तुमको सताने में मुझे बहुत मजा आता है। ए, प्यार करने वाला दिल शरीर भी होता है। उसका क्या भरोसा? मेरा हार्ट फेल हो गया तो? तुम्हारा हार्ट फेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा दिल वहाँ नहीं, यहाँ मेरे कब्जे में है, मेरी इजाजत के बगैर रुक भी नहीं सकता। अच्छा अच्छा, मेरा फाइल लो, मजदूर भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हड़ताल का कोई फैसला हुआ? हो जाएगा, आज हो जाएगा। आज का मजदूर जाग चुका है कांता, वो काम की भट्टी में दिन रात जलने को तैयार है, मगर अपने बाल बच्चों के पेट की आग बुझाना अपना हक समझता है। ये बात हम मालिक को समझाएंगे, मालिक इतने बुरे नहीं है, समझ जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र नहीं करना, जिसके आगे तुम्हारी जैसी पत्नी का प्यार और पीछे हजारों मजदूरों की दुआएं हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रुक जाओ भाइयों, शोर करने से कोई फायदा नहीं। सिकंदर भाई, उस कमीने चावला तक अपनी आवाज पहुंचाने का यही एक तरीका है। गलत रास्ता है चाचा, जिनकी बदौलत हमें रोजी रोटी मिलती है उन्हें गाली देना हमारी सभ्यता नहीं। फिर मैं हूं ना तुम लोगों की आवाज मालिक के कानों तक पहुंचाने के लिए, मैं जा रहा हूं मालिक से मिलने। तो आज फैसला करके ही लौटना, वैसे भी हमारी हड़ताल हमारी एकता से डर गया है वो, उसे डिमांड करो हमारी पगारें दोगुनी कर दे। नहीं चाचा, किसी को कमजोर जानकर इतना मत मांगो कि देने वाले के हाथ खाली हो जाए और तुम्हारे हाथ उसे संभाल ना सके। हमारा जो जायज हक है उसी को हासिल करना हमारा मकसद है, किसी पर नाजायज दबाव डालना नहीं। तुम ठीक कहते हो बेटे, मैं ही बह गया था, तुमने संभाल लिया, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलने का चाचा, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, अपना फर्ज निभा रहा हूं। आओ मजदूरों के सिकंदर आओ। अच्छा क्या तुमने ये शोर बंद करवा दिया? थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलने का साहब, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया। ठीक है, क्या फैसला किया? फैसला तो आपको करना है साहब, जो पगार आप हमें देते थे उससे तीन वक्त की रोटियां तो नहीं मिलती थी, दो वक्त की मिल जाती थी। हमारी चादरें इतनी छोटी थी, सर ढको तो पांव निकल आए, पांव ढको तो सर बाहर आ जाए, लेकिन उसमें ही हम खुश थे। लेकिन आपने तो उसमें से भी पगार कम कर दी। तो क्या करता है? जानते हो मार्केट कितना टाइट है? आज जो मैं फैक्ट्री चला रहा हूं नुकसान में चला रहा हूं, डूबने के करीब है। जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो भी एहसान कर रहे हैं मजदूरों पर। यह सच नहीं, अगर आपकी बात सच होती तो हम आपका साथ देते, भूखे पेट काम करते, लेकिन कंपनी को डूबने नहीं देते। ये रहे अकाउंट्स, 5 साल का रिकॉर्ड बताता है कि कंपनी को करोड़ों का फायदा है। काफी पक्के लीडर हो तुम, बहुत मेहनत किए तुम। ये क्या है? तुम्हारा मेहनताना, रुपए उठा लो, हड़ताल वापस ले लो। उठा लो भाई, इस कलयुग में युधिष्ठिर बनने की कोशिश मत करो। ले लो, कम है तो और देता हूं। लाखों करोड़ों का हक छीनकर एक दो का भला करने का ये सिस्टम
हमारे देश से कब जाएगा साहब? अब तो चला जाना चाहिए। मैं आपसे रुपया लेने नहीं, गरीब मजदूर भाइयों का हक मांगने आया हूँ। क्या नहीं है आपके पास? फैक्ट्री, बंगला, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, दुनिया के तमाम ऐश, तो फिर मजदूर भाइयों का हक देने में आप क्यों झिझक रहे हैं? तुम क्या चाहते हो, मैं ये बंगलोज, फैक्ट्री, कारें मजदूरों में बांट दूं? नहीं साहब, हम ऐसा नहीं चाहते। आपको आपका बंगला मुबारक हो। हम ऐसा चाहते कि हमारी झोपड़ियां यहीं से टपके नहीं। आपको आपकी मर्सिडीज गाड़ियां मुबारक हो, लेकिन हमारी साइकिल के टायर पंक्चर मत होने दीजिए। आप चिकन खाइए, लेकिन हमारी रूखी सूखी रोटियों पर नजर मत डालिए। आप रेशमी कपड़ों में सज धज कर पार्टी अटेंड कीजिए, लेकिन हमारी माँ बहन बहु बेटियों को मामूली कपड़ों से पूरी तरह से तन ढकने दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से तन ढकना हमारे देश की सभ्यता है। भाषण अच्छा देते हो। नहीं साहब, मैं कोई लीडर नहीं जो भाषण देने आया हूँ। मैं सिर्फ उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंचाने आया हूँ। अगर मैं तुम्हारी ये बातें ना मानूं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं बिगाड़ने नहीं, बनाने आया हूँ और अपना जायज हक मांगने आया हूँ। और जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा, ये हड़ताल जारी रहेगी। तू मुझे धमकी देता है? चिल्लाना नहीं, चिल्लाना हमें भी आता है, और जब मैं चिल्लाऊंगा तो आवाज सिर्फ सिकंदर की नहीं, इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों की आवाज होगी, जिसकी गूंज से तेरे महल की ये दीवारें टूटकर गिर जाएंगी। मैं सर झुकाकर हाथ जोड़कर तेरे सामने नरमी से पेश आ रहा था, वो मेरी मजबूरी या कमजोरी नहीं थी, वो हमारी सभ्यता थी। अब अगर सर उठाकर हाथ खोलकर उसका घुसा बनाकर प्रहार करूंगा तो वो भी हमारी सभ्यता होगी, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे सामने चावला साहब को तू धमकी दे रहा है? ए चावला, बोल दे अपने कुत्तों को सिर्फ तेरे आगे पीछे दो महिलाएं काटने की कोशिश ना करें, वरना तेरी फेंकी हुई हड्डी उनके सामने तो होगी, लेकिन उसे चबाने के लिए उनके मुंह में दांत नहीं होंगे। मैं जा रहा हूं चावला, अब भी वक्त है, रोक ले मुझे, क्योंकि जैसे ही मैं तेरी दहलीज के बाहर कदम रखूंगा तेरी बर्बादियां अंदर आ जाएंगी। तेरे पास महल तो होंगे लेकिन खंडर से भयानक, तेरे पास गाड़ियां तो होंगी लेकिन उसमें चढ़ बैठने के लिए तेरे पास पैर नहीं होंगे। तेरे पास सोने चांदी के बर्तनों में खाना तो होगा लेकिन खाना नसीब नहीं होगा। और सुन, मेरी इस मेहरबानी के लिए तू मुझे थैंक यू नहीं बोलना, क्योंकि मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, तुझे वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग। ये क्या? आपका किताब का पैसा हाजूर है। इतने सारे भंगार वाले ने इतने पैसे दिए? अरे भंगार वाले ने नहीं दिए जी, हम आपका सब किताब ब्लैक में बेच कर आया जी। आपका किताब सब सोल्ड आउट, लोग ज्यादा पैसा देकर खरीद रहा जी। मगर पब्लिशर तो कह रहा था कि मेरी कहानियाँ सारी फ्लॉप है। झूठ बोलती, झूठ बोलती। आप खुद बाहर जाके अपना किताब ढूंढेगा ना, नहीं मिलेगा। वो हमसे कह रही और किताब है तो लाओ लाओ। इसका मतलब है उसने मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की मेरे साथ। नन्ना तन्ना कोड़ सानू न पैरा में चीटिंग है। यानी क्या है? वो भी तुम्हारा बाप की बाप निकली। मगर उसको मालूम नहीं है कि बाप का भी एक बाप होता है। उसने उस दिमाग से पंगा लिया है जिसकी फैक्ट्री में शैतानी आइडियाज उबल उबल कर निकलते हैं। अब मैं अपने दिमाग को आइडिया देकर ऐसा आइडिया मैन्युफैक्चर कराता हूँ जो पब्लिशर के फ्यूचर को फ्रैक्चर कर देगा। आया यो, उसका नसीब का ये हड्डे तोड़ देगा जी। है तुमने बेवकूफ बना दिया। कौन हो तुम? सेक्रेटरी। फरमाया हाजू, इसका मुंह पे मारा रे। मुंह पे मारू? इसको बताना हम कौन। आप इनको नहीं जानते? नहीं जानते। अमामिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुत्रु स्वामी है। अरे होंगे, मुझे इससे क्या। चलिए स्टूडियो का दरवाजा उस तरफ है। हम जाता पकड़ा रे। अमामिया ये उल्लू का पट्टा आपको पहचाना नहीं। अमामिया क्या कर रहे हैं आप? बोले आपके दरवाजे पर हमको भी दो। जाओ, लक्ष्मी चलकर आई है,
उसे टुकरा रहे हैं आप। लक्ष्मी कहाँ है लक्ष्मी? उधर गई लेकर लक्ष्मी लक्ष्मी तो स्वामी तुमको 2 करोड़ रुपया कैश लेने आई है। 2 करोड़ चप्पल निकाल खबर लगी है। 2 करोड़ तुमने इनको नाराज किया है, आत्मा जोकर माफी मांगो और इनको मनाओ। जोड़े माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। पहचाना नहीं था, तुम हमको बोला बाहर जाओ। हम क्या कोई बात पकड़ो रहे, हम बोला बाहर जाओ। हम क्या तुम जाओ, तुम देखिए गुस्सा थूक दीजिएगा। हेलो क्या करता है? मेरा गुस्सा तू हम थूक दिया। अबे चुप, गुस्सा नहीं खाना वरना हाथ से ये 2 करोड़ रुपया निकल जाएंगे। निकल जाएगा हाँ, मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, और इनकी ये थूक थोड़ी है, ये तो गुलूकंद है। गुलूकंद या गुलूकंद क्या रहे? मीठा मीठा हाँ। मीठा काटो रे। आप मजाक बहुत करते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ किस लिए? हम बताते हाँ? तुम उल्लू हाँ? तुम गधा हाँ? 2 करोड़ होना की नहीं होना हाँ? कहाँ बोल रहे हाँ? हाँ? अभी बात आई सा, हम एक बहुत बड़ा टीवी सीरियल बना था 500 एपिसोड का। वो एक तुम एक बुक चापा उसका राइट हमको होना, हम तुमको 500 करोड़ देगा। बड़ा बात ना, बस एडवांस में हम तुमको 2 करोड़ रुपया देगा। होने का बस तो 2 करोड़ देगा जी। 2 करोड़ दो आपको जो किताबें चाहिए ले जाइए, आपको जो भी चाहिए जहाँ से भी चाहिए। तुम उल्लू हाँ? तुम गधा हाँ? तुमको 2 करोड़ होना कि नहीं हाँ? बोलना हाँ, 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 हमको दूसरे का किताब नहीं होना, तुम्हारा पास हाँ? एक तुम एक बहुत बड़ा राइटर का बुक छापा, क्या नाम उसका पता नहीं, दिलचस्प उसका राइट होना हमको। ये कैसा मुंह बनाते रहे, दिलचस्प बहुत अच्छा राइटर, बहुत महान राइटर है। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना, अभी 2 करोड़ तुमको हम एडवांस देता और 3 करोड़ मुहूर्त वाला दिन देगा। 2 करोड़ एडवांस, 3 करोड़ मुहूर्त, आई साइन। तुम ब्लैक करंट मारेगा, कुत्ते का मासी करता है, साइन कर। 2 करोड़ मैं लेता हूँ, साइन कर दो। तुम क्या करंट मारेगा, कुत्ते का मासी पड़ करता रहे। क्या हुआ क्या हुआ? तुम हमको राइट कैसा दे सकता है? राइटर का राइट तो तेरे पास है जी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, राइटर का राइट मेरे पास है, तभी तो हमने किताब छापा। तुम्हारे पास किताब छापने का राइट है, सीरियल बनाने का राइट नहीं है। अरे तो सीरियल का राइट भी मैं ले आऊंगा। अभी तुम राइट लाएंगे हाँ? तो हम तुमको पैसा देंगे, उठा रहे चल। अरे नहीं, इतना वजन सर पे उठा के लाए थे, क्या इसको वापस ले जाएंगे? दो करोड़ इधर क्या चोर के जाना, ये चोर खा जाएंगे। नहीं नहीं, मेरे को चोर नहीं लगता, मेरे को तो बहुत शरीफ है। शरीफ ये मेरे को बहुत बेईमान दिखता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत ईमानदार, मेरे को बहुत सलीम दिखता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को देखो ना कितना खानदानी लगता है। ये मेरे को फाट दिखता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को बहुत प्यारा दिखता है। ये मेरे को मेरे को बहुत कस के गाली आता है। आप ये सब ले जाओ ले जाओ, मैं राइटर के पास जाके उससे राइट लेकर आऊंगा, तो ये दे देना मुझे। मेरा गाली अंदर रह गया, परसों मैं आएंगा, गाली भी देना, राइट भी लेना। उठा चल। अरे राइट जाओ पहला, जल्दी लेके आना, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आना। अरे अब क्या करोगे मन्नू भाई, छोटे से लालच के लिए तुमने तुमने दिलचस्प के साथ बिगाड़ ली थी, अब उसे कैसे ठीक करोगे? अरे कुछ तरीका सोचो सोचो, हे भगवान कोई तरीका। जी उस दिन आपने अपनी ऑफिस से मुझे बड़ा जलील करके बाहर निकाला था, आज मेरे घर पे क्यों आए? अजी मैं आपको दुनिया में मशहूर करने के लिए आया हूँ। थोड़ा जहर लाए? जहर आधा आप पी लीजिए, आधा मैं पी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फनकार मरने के बाद ही मशहूर हो पाता है। अजी क्या बात कर रहे हैं, मरे आपके दुश्मन? अजी दुश्मन कहाँ मरते हैं, वो तो हमेशा जिंदा रहते हैं और ऐसे सामने खड़े रहते हैं। अब पुरानी बातें भूल भी जाइए ना। पुरानी बातों के साथ कुछ लेन देन की बातें थी वो भी भूल जाऊँ? हाँ भूल जाइए, दरअसल मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ,
क्या है आजकल पब्लिक ने किताबिदा पढ़ना कम कर दिया है, इसलिए आपकी जितनी इंटेलिजेंट बातें हैं ना वो सारी टीवी सीरियल के थ्रू मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपके रिटन परमिशन की जरूरत है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ, इस पर साइन कर दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको मेरी किताबों पे सीरियल बनाना है, उसके राइट चाहिए आपको? जी 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 जी। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे कमाल करते, आपकी किताबें छाप के तो पहले ही मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ गया, अब इसके लिए भी पैसे चाहिए? इसे कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। जी नहीं, इसको कहते हैं बिना डोल डाले कुएं में से पानी की आखिरी बूंद तक निकाल लो। देखिए साहब, अगर आपको मेरी कहानियों के राइट चाहिए तो आपको मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 10 लाख? जी। अबे 10 लाख की गिनती आती है तुम्हें? 10 लाख? लेकिन लेकिन के पानी में मुमकिन के मोती नहीं मिलते तो सौदा मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना रास्ता खुला है बाहर निकल जाओ। लगता है इसको भनक लग गई है, इसलिए डिमांड कर रहा है। अगर मैंने इनकार कर दिया और पार्टी सीधा इसके पास आ गई तो? सुनिए जी, आपके ख्यालात की आवाज बाहर तक आ रही है, कुछ जल्दी नहीं है, सोच लीजिए। नहीं नहीं नहीं, सोच लिया। देखिए इस वक्त मेरे पास ये 5 लाख रुपए है, चेकबुक ले लेता। काम कीजिए ना, ये 5 लाख मैं रख लेता हूँ, 5 लाख आप मुझे चेक दे दीजिए, जिस दिन ही चेक पास होगा मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा। ठीक है। सुनिए, इस नाम का बैंक है ना? कुछ लोग छपा लेते हैं तो क्या भरोसा है? ये लीजिए, और कैश होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिएगा। है नमस्कार। क्या है क्या है? इसको अंदर रखेगा, ला कर मैं चाबी मैं रख दूंगा तुझे। क्या मैं हिलना सापड़े हिलना? चल माफ करना भैया। चला जाऊं, बरसों से जिस दुख को सीने से लगाकर मर मर के जी रहा हूं उसका अंत आया तो मैं चला जाऊं? सावित्री, मैं तो यही समझा कि तुम मर चुकी हो। तुमने तो मुझे मार ही डाला था, ऐसा क्या किया था मैंने जो तुमने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश की? सेक्रेटरी सीमा के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे वो मुझे मालूम था, फिर भी मैंने उफ तक नहीं किया। वो दौलत वो बंगला मेरे अपने थे, उससे मुझे कोई मोह माया नहीं थी, मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार था, तुमसे प्यार। अगर तुमने कहा होता कि तुम्हारी खुशियों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो मैं खुशी से चली गई होती, क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे इस रास्ते से हटाने की? मैंने तुम्हें रास्ते से हटाया? हाँ, सीमा के साथ मिलकर राधा के जरिए मुझे मार डालने की कोशिश की, वो भी उस वक्त जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। यही सच है, ऐसा सच जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना और शरीर से भोगा है। आज भी मुझे वो तेरी याद है। चल बाहर निकल, बाहर निकल। ये तुम मुझे कहाँ ले आए भाई? वहाँ जहाँ से तुझे वापस नहीं आना है। चल। मुझे मारना चाहते हो? मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई? मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तेरी सेक्रेटरी सीमा और तेरे पति का कई सालों से लफड़ा चल रहा है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन तू तू उनके रास्ते का काटा है और रास्ते से काटा हटाने का काम मुझे दिया गया है। भाई मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे मत मारो, मुझ पर नहीं तो मेरी कोख में पलने वाले मेरे बच्चे पर तो रहम करो, मुझे जाने दो,
मुझे जाने दो। देखो वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ना, तो मैं खुद हट जाऊंगी, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, मगर याद रख, अगर तू वापस आई तो तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। कभी तुम्हारी जिंदगी में लौट कर नहीं आई, कभी अधिकार का दावा नहीं किया, अब तक गुमनाम की जिंदगी गुजारती रही, आगे भी गुजारती रहूंगी। मैं अपने बेटे राम को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। सावित्री, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अब इन बातों से क्या फायदा, वक्त गुजर चुका है और वो भी बहुत भयानक वक्त गुजरा है। मैं बीते दिनों को याद करना नहीं चाहती, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझ गया धनराज सेठ, तुम्हारी पहली पत्नी सावित्री देवी जिसे तुम मरी हुई समझ रहे थे वो जिंदा है। उसे मारने की कोशिश तुम्हारी दूसरी पत्नी सीमा देवी ने की थी, मगर सावित्री देवी ये इल्जाम तुम पर भी लगा रही है। तुम समझते हो कि इस बात का पता अगर तुम्हारे बेटे राम और बलराम को चल गया तो तुमसे नफरत करने लगेंगे। हाँ। राम और बलराम प्यार मोहब्बत से रहें, एक छत के नीचे रहें, यही तुम चाहते हो ना? हाँ। मेरे पास एक आसान तरीका है। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा चावला, बताओ क्या तरीका है? सीधी बात है, आधी जायदाद राम के नाम कर दो, आधी बलराम के नाम पर, और एक शर्त रखो, अगर दोनों साथ में रहेंगे तो ही जायदाद मिलेगी, वरना सीधी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे मंजूर है। जैसे आपने फोन पर प्रॉब्लम बताई मैंने उसका हल निकाल लिया था, ये वसीयत तैयार की है, लो इस पर दस्तखत कर दो। ओके चावला, मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू। मैं इसे कोर्ट में रजिस्टर करके एक कॉपी आपको भेज दूंगा। ओके। डैड, आपने लोगों का भला करना कब से शुरू कर दिया? चावला ने हमेशा खुद का भला किया है बंटी। धनराज ने अपने दोनों बेटों को मिलाने के चक्कर में उनकी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। दोनों भाई मिलेंगे जरूर, लेकिन एक दूसरे का खून पीने के लिए। दोनों लड़कर मर जाएंगे और जायदाद सीधे ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ? यानी कि मेरे पॉकेट में। अरे 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 अरे
अरे रे 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 रे, भागता कहाँ है? एड्रेस तो बताते जा, किसका आदमी है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चौलाने बजे। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। माँ, क्या हुआ माँ, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटी, मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना माँ? नहीं बेटी, डरने की कोई बात नहीं, ये चोट तो मामूली सी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? माँ मंदिर से गिरी नहीं, कुछ गुंडे इनकी जान लेना चाहते थे। अच्छा हुआ कि मैं ठीक वक्त पर पहुंच गया और उन्हें मार भगाया। सिकंदर भाई, आपने मेरी माँ की जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलने का, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, माँ झूठ क्यों बोल रही है? वो बात खत्म हो गई है। खत्म नहीं हुई माँ, जो मानने आए थे वो फिर आ सकते हैं। हाँ माँ, बता माँ बता, कौन थे वो लोग? कुछ मत पूछ बेटे, मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती माँ, ऐसी क्या मजबूरी है? माँ तुझे तेरे बेटे की कसम, तुझे बताना ही होगा। ठीक है बेटा, मैं बताती हूँ। जो राज मैंने तुमसे छुपा कर रखा था, दरअसल धनराज तेरे पिता है। हाँ बेटी, वो गुंडे तेरे पिता और उनकी दूसरी पत्नी सीमा के भेजे हुए थे। सीमा जो उनकी सेक्रेटरी थी, उन दोनों में ताल्लुकात थे, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने मुझे अपने रास्ते का कांटा समझा। सीमा ने मुझे चावला के जरिए उस वक्त मारने की कोशिश की जब तुम मेरी कोख में था। कुछ दिन पहले तेरे पिता मुझे मिले और शायद इसीलिए उन्होंने। और तुमने आज तक मुझसे छुपाए रखा, सारे दुख खुद ही झेलती रही और मुझ पर आज तक नहीं आने दी। मुझे तुम पर फक्र है माँ, अब तू फिक्र मत कर माँ, अब मैं उन लोगों से बदला लूंगा, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा माँ। रुक जा बेटी, तुझे मेरी कसम। रुक जा माँ, मत दे अपनी कसम, आज तक तू इसके लिए ढाल बनती आई है, आज इसे दुश्मनों के लिए तलवार बनने दे, मांगने दे इसे अपना हक, लड़ने दे उसूलों की जंग। जा भाई, तेरी इस लड़ाई में तेरा बड़ा भाई सिकंदर भी तेरे साथ है। बेटा राम, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने गिरे हुए आदमी हो। मेरी माँ को मारने की कोशिश की है तुमने, उसकी खुशियां उसका अधिकार छीनकर खुद अय्याशियां कर रहे हो तुम। पति के होते एक पत्नी की मांग सुनी करती है तुमने। बेटा राम, मत कहो मुझे अपनी गंदी जबान से बेटा, अपनी माँ की कोख में रहते हुए तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे बेटा कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। मेरी बात तो सुनो। तू मेरी बात सुन धनराज, तूने मेरी माँ की खुशियां छीनी है, दर दर की ठोकरें दी हैं तूने उसे। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हूँ। याद रखना, जो गम मेरी माँ ने सहे हैं, जो ठोकरें मेरी माँ ने खाई हैं, आज के बाद तुझे खानी होंगी धनराज। मैं तेरी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगा, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा धनराज, चैन से जीने नहीं दूंगा। बेटा राम मेरी बात तो सुनो ना, 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 ना। डॉक्टर, प्यारी की तबीयत कैसी है? He is not yet out of danger. उनकी तबीयत काफी नाजुक है, भगवान पे भरोसा रखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा।
माँ अब क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। मगर ये हुआ कैसे? किस्मत का खेल है बेटा। किसको पता था कि चंद मिनटों में हमारे घर की सारी खुशियां छिन जाएगी? किसको पता था कि अचानक राम हमारी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान खड़ा करेगा? राम? राम मेरा दोस्त? हाँ राम, और वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हमारे घर पर गिरने वाली बिजली है, हमारी खुशियों का शमशान घाट। मगर क्यों? राम को हमसे क्या दुश्मनी है? क्या बिगाड़ा हमने उसका? हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसकी नीयत खराब हो गई। वो हमारी सारी जायदाद हड़प कर लेना चाहता है। हमारी जायदाद? हमारी जायदाद से उसका क्या ताल्लुक है माँ? उसका नहीं, उसकी माँ का ताल्लुक है। उसकी माँ तुम्हारे पिता की रखेल थी। ये बात जब राम को पता चली तब उसने जायदाद में हिस्सा मांगा। तुम्हारे पिता के इनकार करने के बाद उसने बुरे अंजाम की धमकी दी। इस हादसे का तुम्हारे पिता पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अस्पताल आ पहुंचे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, सिकंदर भाई जिंदाबाद। मालिक से कुछ बात हुई? नहीं अभी नहीं की, और वो करेगा भी नहीं क्योंकि हड़ताल जारी रहे और फैक्ट्री में ताला लग जाए, यही वो चाहता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? कौन है आप? मेरा नाम हरि है और मैं भी एक अमीर आदमी था, लेकिन इस चावला ने मुझे एक झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसाकर सारे सबूत अपने पास रखकर मेरी सारी धनदौलत अपने नाम लिखवा ली। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने अमीर लोगों को उसने फंसाकर उनकी धनदौलत अपने नाम लिखवाकर उन्हें इस फैक्ट्री में एक नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। आप लोग भी उसका शिकार है। वो इनकम टैक्स भरना नहीं चाहता, इस फैक्ट्री को बंद कर देना चाहता है, इसलिए उसने अचानक वर्करों की पगार कम करवा दी ताकि आप लोग हड़ताल करने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले रावण को उस लंका में आग लगाता हूं। कहां है तुम्हारा वो लीडर सिकंदर? कहां है सिकंदर? मैं यहां हूं चावला। मेरी फाइल्स कहां है? कौन सी फाइल्स? वही फाइल जो मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर से तुम चोरी करके लेके आया। वो तेरी नहीं थी, दूसरों की अमानत थी। कौन दूसरा? वो मजबूर बेबस इंसान जिनको तुमने अपने जाल में फंसा, उनके खिलाफ सारे झूठे सबूत बनाए, जिसके बिना पर तूने जेल भिजवा सकता था, लेकिन तूने जेल भिजवाया नहीं बल्कि उन्हें ब्लैकमेल किया। उनसे ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए जिसके जरिए तू उनके प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बन गया। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उन्हें लौटा दिए, अब वो सारे आजाद हो गए चावला। देख सिकंदर, मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अगर अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो तो वो सबूत चुपचाप मुझे लौटा दो। लौटा तो देता चावला, लेकिन क्या करूं, आज सर्दी बहुत है ना, मजदूरों ने उन्हें जला दिया। सिकंदर, ये जो आग तूने जलाई है अब वो तेरे शरीर को जला कर ही बुझेगी, याद रखना। अरे बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि इन दिनों में इतना काम नहीं करना चाहिए, अभी तेरी माँ जिंदा है। भगवान हमेशा आपका साया हम पर रखे, मगर ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। कोई बात नहीं, जब मैं बहुत बुढ़ी हो जाऊंगी ना तब तू मेरा काम कर दिया करना, अभी तू आराम कर। बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ माँ, थोड़ा हाथ तो बटाने दीजिए ना। कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा वैसा ही कर, जा जा अंदर जा। ठीक है। Mm.
सुरेंद्र भाई अपनी फैक्ट्री में किसी ने चौकीदार को चाकू मार दिया, आप जल्दी से आइए। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? फैक्ट्री के वॉचमैन को किसी ने चाकू मार दिया है। क्या? मुझे फौरन जाना है, तुम सो जाओ। खूबसूरत है ना? कौन है, कौन है तुम लोग? चावला नाम है मेरा। हाँ? मैं वो हूँ जिससे तेरे पति ने बहुत बड़ा पंगा लिया था, और तू वो है जो अपने पति की बहुत बड़ी भूल का भुगतान करेगी। अरे इसे ऐसे देखोगे क्या? सुरेंद्र भाई, इतनी रात गए, क्या बात है? किसी ने मुझे फोन किया था कि वॉचमैन को किसी ने चाकू मार दिया है। नहीं तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा? हाँ। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है, ध्यान रखना। कांता? क्या हुआ कांता? चावला उसके तीन आदमियों के साथ आकर मेरा बलात्कार किया, और वो कांता, कांता मैं जानता था तू यहाँ जरूर आएगा, इसलिए मैंने तेरा पूरा इंतजाम करके रखा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे तू जिंदा बचेगा तब ना। तेरे पति को मारकर बड़ा बुरा लगा था मुझे, उसके पेट में तुम्हारी औलाद थी ना, पप्पा पप्पा कहकर चिल्ला रहा था वो मासूम, मगर क्या करूं, तूने मुझसे पंगा लेकर मेरे गुस्से को ललकारा था। वैसे गुस्सा बहुत बुरी चीज है ना, अच्छे बुरे की पहचान खो देता है। अब तेरी पत्नी मर गई, तेरा बच्चा मर गया, तू जी के क्या करेगा? इसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। अरे देखते क्या हो, खत्म कर डालो इसको। मर गया सारा, उठाकर फेंक दो इसे। डैडी, 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 इस आदमी की मौत पर रो रही है जिसका जिंदा रहना या मर जाना हमारे लिए एक ही बात है। नहीं बेटे, ऐसा मत बोल। वो जैसे भी थे, तेरे पिता थे, मेरे पति हाँ थे, मगर अब नहीं रहे। वैसे भी मरकर उन्होंने मुझ पर एक एहसान जरूर किया है, उनके रहते मैं बाप बेटे के बंधन में जकड़ा रहता, मगर अब मैं आजाद हूं।
मेरे हक पर डाका डालने वाले वो माँ बेटे अब मेरी कहर से बच नहीं सकते। राम सुनो। सीमा, सीमा देवी, तेरी माँ ने बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया तुम्हें? मेरी माँ ने बड़ों की इज्जत करना सिखाया है और तुझ जैसी पापियों से टकराना भी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ, अपने पिता की नाजायज पत्नी से बात कर रहा हूँ। बदतमीज, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। रामू, शंकर, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। रुक जाओ वहीं। अगर कोई आगे बढ़ा तो अपनी मालकिन के पापों की सूली पर लटका नजर आएगा। और तू सुन ले, ये दौलत जिस पर तू ऐश कर रही है, ये घर जिस पर तेरा नाजायज कब्जा है, ये सब मेरी माँ का है। बहुत जल्द तू और तेरा बेटा इस घर के बाहर होंगे और मेरी माँ के नाम की तख्ती इस घर के दरवाजे पर होगी। सुन ले सीमा देवी। साहब राम आया था, मेम साहब से झगड़ा करके गया। माँ, राम आया था? हाँ। आपने उसे जाने क्यों दिया? घर में इतने नौकर हैं, सब मर गए थे क्या? जाने दो, मरे हुए को मारना मेरी आदत नहीं और दुश्मन को यूं जाने देना मेरी फितरत नहीं। बलराम, ये क्या कर रहा है तू? अपने घर में क्यों तोड़फोड़ कर रहा है? बलराम, बलराम, ये क्या कर रहा है तू? बताता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं बलराम बोल रहा हूँ, धनराज के घर से। एक राम नाम का गुंडा मेरे घर में घुस आया था, उसने तोड़ फोड़ की, मेरी माँ पर हाथ उठाया। अरे क्या बात है इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? इसने धनराज सेठ के घर में घुसकर तोड़ फोड़ और मारपीट की है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। तू मेरी फिक्र मत कर माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दो। चलो इंस्पेक्टर। नहीं, अरे मगर मजदूरों पर धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है, वो स्ट्राइक वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस हरामजादे सिकंदर ने तो हमें तबाह कर डाला है, सारे सबूत और वसीयतनामे जलाकर उसने हमें कंगाल कर डाला है। मेरी तो सारी उम्मीदें इसी फैक्ट्री पर लगी है, ये फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई तो हम तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। डैड, क्यों ना हम दूसरे यूनियन लीडर जगमोहन से बात करें, वो अपने मजदूरों को लगाकर हमारी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तुम उसे बुलाओ, मैं उसके सामने रुपयों का ढेर लगा दूंगा। चला सेठ, बस अब और ज्यादा रुपए मत डालिए। इसका मतलब तुम अपने मजदूरों के जरिए हमारी फैक्ट्री को स्टार्ट करवा दोगे? जी नहीं, हमारी यूनियन अलग है, काम के ढंग अलग है, मगर उसूल एक है। बेकार है चावला साहब, मजदूरों को आप जानते नहीं, उनमें बहुत एकता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मगर मेरे मजदूर उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे जहां दूसरी यूनियन के लोगों ने हड़ताल की हुई है। बेहतर यही है कि आप सिकंदर से ही कंप्रोमाइज कर लीजिए, वरना आपकी फैक्ट्री कभी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अब क्या होगा बंटी? डैड, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिकंदर को मारकर हमने अपनी तबाही को जगाया है। सिकंदर की पत्नी की मौत और उसका खुद का अचानक गायब हो जाना, मजदूरों को शक हो रहा है, उनका शक बढ़ता जा रहा है। डैड, हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्या करें अब, क्या करें हम? वो तो मर गया, हमें भी मार डाला, अब उसे कैसे जिंदा करें? पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा? अरे सिकंदर भाई, ये सब क्या है? कौन सिकंदर? अब उन सिकंदर नहीं, शंकरा है, शंकरा, करेक्ट? पूरा यकीन, अगर थोड़ा सा उसका हुलिया बदला जाए
और उसकी जबान सुधारी जाए तो हम शंकर को सिकंदर बनाकर पेश कर सकते हैं, किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा। अरे तो बेटे ये मुझे क्यों बता रहा है, उसे साथ में लेकर क्यों नहीं आया, कहाँ ढूंढेंगे उसे हम? ऐड आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लिया, वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। बस अंकुश तुम शंकर दादा के पास जाओ और उसे कहो कि हमें उससे काम है। लेकिन शंकर दादा मिलेगा कहाँ? वो रोज गुड नाइट डिस्को में आता है, वहीं मिलेगा। तुमसे नहीं, मेरे बॉस को तुमसे कुछ काम है, चलो मेरे साथ। चलो मेरी बात अब उनके खोपड़े में आ गई है, तेरा काम हो जाएगा, रोकने की बात कर। मुंह मांगा दाम मिलेगा, लेकिन एक बात ठीक तरह से समझ ले, तुम्हें अपना हुलिया बदलना पड़ेगा, जबान ठीक करनी पड़ेगी, सिकंदर बनकर मजदूरों में जाना पड़ेगा, उनको बेवकूफ बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो डॉक्यूमेंट्स देंगे उन पर उनके दस्तखत लाने पड़ेंगे। अरे एक बात कितनी बार बोलेगा यार, बोला ना काम हो जाएगा, चल एडवांस दिलाकर ले।
कागज के नोटों में साला कितना पावर आया। अभी तक किसी माई के लाल का हिम्मत नहीं हुआ कि अब उनके बाल और मुझ पर हाथ लगाए। अभी काटना पड़ेगा। चलो काट देगा। डैडी, मेरा एक काम करेंगे? राम को जमानत पर रिहा करवा दूं? आपको कैसे मालूम? बेटी, औलाद में और माँ बाप में यही फर्क होता है। औलाद माँ बाप से प्यार तो करती है, लेकिन जब उनकी जिंदगी में कोई और आ जाता है तो माँ बाप को भूल जाते हैं और फिर उससे प्यार करने लग जाते हैं। मगर माँ बाप पहले भी औलाद से प्यार करते हैं और बाद में भी औलाद से प्यार करते हैं, और जो उनकी जिंदगी में आता है उससे भी प्यार करने लग जाते हैं। फिक्र मत कर, मैंने वकील से बात कर ली और राम बहुत जल्दी छूट जाएगा। डैडी, अपने प्यार के लिए कैसे चिमट रही हैं? एक्सक्यूज मी सर। यस। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नौकरी कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? अरे मगर यहाँ क्यों कर रहा है? और कहाँ करूँ? अरे पगार मुझसे लेता है, पूछता और कहाँ करूँ? और ये वर्दी कहाँ से लाया? वर्दी कहाँ से लाया? सरकार ने दिया मुझे, और तुमसे कौन सी पगार लेता हूँ? अच्छा, मुझसे कौन सी पगार लेता है? दो जूते सर में बजाऊंगा सब याद आ जाएगा। इनसाइड, एक पुलिस ऑफिसर के इनसाइड, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर। अंदर कर दूंगा। अबे तू मुझे क्या अंदर करेगा? मैं तुझे नौकरी से बाहर कर दूंगा। नौकरी से बाहर कर दूंगा? तुम क्या सरकार हो? अबे तेरे लिए तो सरकार ही हूँ। नाक पकड़ता है। अबे कान पकड़ूंगा। अरे कान भी पकड़ता है। साहब चाय तो बोल दिया, और कुछ बोलूँ? बिस्किट वगैरह? अबे वो आँख के अंधे, ये तुझे तेरा साहब नजर आ रहा है? नजर आ रहा है क्या? साहब है। अबे आँख खोल अपनी और गौर से देख, ये तेरा साहब नहीं, मेरा असिस्टेंट ऊंचा लाल है। ये नकली वर्दी और नकली मूंछ लगाकर तुम लोगों को धोखा दे रहा है। देख अभी मैं इसकी मूंछें निकालता हूँ। ये तो असली मुझे यार, इतनी जोर से दबाया आंख से आंसू निकला है। मैंने घर में देखा तो इतनी सी मुझे थी, ये इतनी बड़ी इतनी जल्दी कैसे हो गई? लगता है एक शक्ल के दो आदमी है शायद। हो ही नहीं सकता, मैं अपने माँ बाप के इकलौती संतान हूँ, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वैसे भी मेरा बाप बहुत शरीफ था। तुम यहाँ पर करने के आए हो? मैं राम की जमानत के कागजात लेकर आया हूँ। राम हवलदार, राम को इधर लेकर आओ। जी सर, अभी लाया। ओ, तो तुम एक राइटर हो? राइटर नहीं सर, मैं बहुत मशहूर राइटर हूँ। मशहूर राइटर हो? मैंने तो आज तक तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। हाँ, हो सकता है इंडिया में नहीं, ओवरसीज में होगा। शट अप। राम तुम जा सकते हो, मिस्टर दिलचस्प ने तुम्हारी जमानत करा दी है, आओ। बेटे मैं जानता हूँ सर, आप रीटा के पिता हैं। मैं उस दिन के लिए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और आज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सॉलिड, चलो मेरे साथ घर चलो, रीटा तुम्हारे लिए परेशान है। अभी नहीं सर, मैं इस वक्त एक तूफान में गिरा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे अपने भी इस तूफान में गिर जाए।
मुझे माफ कर दो। अबे डर मत, मैं तुझे और नहीं मारूंगा। मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी तो वो बलराम है। उसे जाकर बोल कि अपने कुछ आदमी बचा कर रखे, उसकी अर्थी उठाने के काम आएंगे, समझा? सिकंदर? हाँ सिकंदर, तू क्या समझा? तूने मारा और सिकंदर मर गया? नहीं चावला, मैं जिंदा हूं अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए। मुझे मुझे माफ कर दो सिकंदर। माफ कर दूं? जा, माफ कर दिया, लेकिन मेरी पत्नी से माफी मांगने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। डर मत, मैं तुझे ऊपर भेजता हूं। डैड, सांप का बच्चा सपोला, अच्छा हुआ तू भी आ गया। कहते हैं कि सांप को कभी अकेले मत मारो, उसके पूरे खानदान को मारो। चावला, अपने गुनाहों को याद कर, जिनकी तू और तेरा बेटा सजा भुगतने जा रहे हो। अरे गोली क्यों नहीं चली? गोली चलेगी कैसे भाई, गोलियां तो अपुन के हाथ में है। अरे शंकर, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अब बताओ सेठ, अपुन का एक्टिंग तुमको कैसे लगा? एक्सीलेंट। जब हम फंस गए तो मजदूर कैसे पहचान पाएंगे, क्यों डैड? बिल्कुल, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। अरे अपुन जो काम हाथ में लेता है ना, उसको पूरा करके छोड़ता है। फिक्र छोड़ो और खुशी मनाओ। बात बन गई डैड।
सिकंदर ने शिवा को मार डाला, ये कैसे हो सकता है? सिकंदर मर चुका और मैंने उसे मार डाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई और उसमें शिवा की मौत हो गई और अब तुम अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ चावला साहब, वो हम सबको मारना चाहता है। मैं कहता हूँ कि सिकंदर जिंदा है। डैड, कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर और सिकंदर एक ही आदमी हो? एक कैसे हो सकता है, शंकर तो इधर है और अगर सिकंदर जिंदा है तो अब नहीं रहेगा। सिर्फ सिकंदर ही नहीं, तुम्हारा एक भी दुश्मन नहीं बचेगा। अब उन्हें तुम्हारा नमक खाया सेठ, अब नमक का कमाल देखो। राम बलराम, उनका दोनों माँ और सिकंदर को एक ही झटके में अपन खलास करेगा। हाय, मिलना नहीं, चावला का आदमी शंकरा। हाय, बलराम से कह देना अगर माँ चाहिए तो काली हवेली के गोडाउन में राम से ताकत आजमाए। चलो। अरे बुढ़िया, चल मेरे साथ। सिकंदर बेटे? अरे मैं कोई सिकंदर नहीं हूँ, मेरा नाम शंकरा है। चल। ना नहीं कहना, चुप। अरे राम से कह देना अगर माँ चाहिए तो काली हवेली के गोडाउन में बलराम से ताकत आजमाए। चल। छोड़ दो। हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को अगवा किया? मैं नहीं, तू, तूने मेरी माँ को अगवा किया है कमीने। तू झूठ बोलता है कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अबे तू क्या मारेगा, मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। आपस में मत लड़ो तुम लोग। नहीं, लड़ने दो, अगर ये नहीं लड़ेगा तो तुम लोगों को यहाँ लाने का अब उनका मकसद कैसे पूरा होगा? सिकंदर भाई? नहीं राम, ये सिकंदर नहीं, उसी की शक्ल का कोई और है। इसका नाम शंकर है और ये चावला का गुंडा है। चावला कौन है? हमारा खानदानी वकील, उसी ने अपने गुंडे के जरिए मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच निकली। मैं समझी इसके पीछे सिमाधी और तुम्हारे पिता की साजिश, इसलिए मैं वापस नहीं लौटी। मगर तुम्हारे पिता निर्दोष थे, उन्होंने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की और फिर मायूस होकर सीमादेवी से शादी की, और वो भी चावला के जोर देने पर। उसके बाद आज तक चावला मुझे ब्लैकमेल करता रहा और मुझसे पैसे वसूल करता रहा। अभी बाकी बात अपुन से सुनो। तुम्हारा बाप दोनों भाइयों को मिलाने के चक्कर में अपुन के बॉस के हाथों फंस गया, उसी के कहने पर उसको ट्रस्टी बनाया और ऐसा वसीयत लिख डाला कि दोनों मिलकर रहेगा तो माल मिलेगा। बस उसने उसी का फायदा उठाया, आग के अंदर तेल डालता गया और अभी तुम दोनों को मारने का अपुन को सुपारी मिला है। ये सब बातें बताकर तूने बहुत बड़ी भूल की शंकर। हम दोनों भाई एक दूसरे से जुदा होकर अपनी ताकत खो चुके थे, मगर अब तुमने हम दोनों को मिला दिया है और ना सिर्फ खुद की बल्कि अपने बॉस चावला की भी मौत पर मोहर लगा दी है तुमने। तुम क्या समझता है, तुम दोनों यहाँ से बचकर निकल जाएगा? और तू क्या समझता है, तू हम दोनों भाइयों को मार सकेगा? नहीं रे, बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को कैसे मार सकता है? हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चावला के लिए काम जरूर करता हूँ। मैं ही तुम दोनों की माँ को उठाकर लाया था, मारने के लिए नहीं, तुम सबको मिलाने के लिए, आपस की गलतफहमी और दुश्मनी को दूर करने के लिए। क्योंकि मैं चावला का शंकरा नहीं, तुम लोगों का सिकंदर। सिकंदर बेटे? हाँ माँ, चावला ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी, मगर मैं तेरी दुआओं से बच गया। अब मैं अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए शंकर बनकर लौटा हूँ। तो फिर सिकंदर भाई, आज तक आपने उसे मारा क्यों नहीं? हम सब आपके साथ है सिकंदर भाई, हम सब मिलकर उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं भाई, अभी नहीं, एक अधूरा काम पूरा करना है। मौत तो उसकी लिखी हुई है, बस सिर्फ
वक्त तय करना है। देख बेटे, फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, देखा जाएगा। हाँ चावला सेठ, अपन ने तुम्हारे सभी दुश्मन को तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार? हाँ मतलब ऊपर। अभी तुम्हारा असली काम बाकी है। अपन के खोपड़ी में एक आइडिया आया, तुम ऐसा एक एग्रीमेंट बनाओ जिसमें लिखो कि तुमने मजदूरों का सभी मांग मान लिया है। पागल हो गए तुम? बीच में नहीं बोलने का, पहले अपन को बोलने देने का फिर बोलने का। मजदूरों में एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो इसे पढ़ेगा, सबको बताएगा, उसके बाद तुम उस पर साइन करना। मजदूर खुश। अभी और एक एग्रीमेंट बनाने का जिसमें ये लिखा है कि मजदूरों ने तुम्हारी बात मान लिया है, मतलब तुम जो पगार देगा उसमें काम करेगा। अभी दोनों एग्रीमेंट मेरे पास आए, हम तुमको देगा, तुम अपना वाला एग्रीमेंट हर देना, मजदूर तुम्हारा गुलाम। आइडिया तो अच्छा है, मगर तुम क्या समझते हो? ये इतना आसान है जितना तुम समझते हो? मजदूर क्या बेवकूफ है जो इस पर साइन करेंगे? बेवकूफ नहीं है, लेकिन हम बनाएगा। साइन करने से पहले वो हमसे पूछेगा इसमें क्या लिखा है, तो हम बताएगा, मतलब सिकंदर बताएगा कि चावला साहब ने जो एग्रीमेंट बनाया वो हम सब ने मंजूर किया, बस। और वो पढ़ा लिखा मजदूर पढ़कर हमारा भांडा नहीं फोड़ देगा? नहीं फोड़ेगा, क्योंकि अपन ने उसको फोड़ दिया है। वो ही बोलेगा जो अपन बोलेगा, बस। मजदूर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा फैक्ट्री चालू। अंडरफुल आइडिया। बंटी, ये जैसे कहता है वैसे दो एग्रीमेंट्स तैयार करके लेके आ। ऑलराइट, चावला साहब ने जो कहा इसमें वही लिखा होगा, इसी भरोसे पर मैं साइन कर रहा हूं। अब इसमें साइन करो। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि आप लोगों ने हड़ताल वापस ले लिया, अब कभी हड़ताल नहीं करेंगे, और जो पगार चावला साहब देगा अब लोग सब उसी में ही काम करें, उसी में ही काम करेंगे। योरे चावला गरीबों को फंसाना चाहता है, वो भी सिकंदर के जरिए। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? सिकंदर रुक क्यों गया? बोल दे शंकर। नहीं चावला, मैं शंकर नहीं, सिकंदर हूं। सिकंदर मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। मैं चाहता तो बहुत पहले तुझे खत्म कर देता चावला, लेकिन मजदूरों को हक दिलाने का जो बीड़ा हमने उठाया था वो पूरा करना था, इसीलिए मैं शंकर बनकर अपने मजदूर भाइयों की मदद से तुझे बेवकूफ बना रहा था। अब मेरे हाथों में जो एग्रीमेंट है उससे मेरे मजदूर भाइयों को अपना हक मिल जाएगा। तेरे मरने के बाद भी ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी। हाँ चावला, तुझे मरना है, तुझे मेरी पत्नी के कत्ल का कर्ज चुकाना है। अब तू अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। सिकंदर बेटे, सिकंदर बेटे। आप दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सिकंदर, राम और बलराम को बचा लो। हुआ क्या है? वो दोनों बदला लेने के लिए चावला की तरफ गए हैं। आप अपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आपको मालूम है चावला बहुत कमीना आदमी है। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो उन्हें बचा लो सिकंदर। उन्हें कुछ नहीं होगा, जब तक उनका बड़ा भाई जिंदा है उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मौत तुम्हें यहां लेकर आई है राम बलराम, जाओ इनका अंतिम संस्कार कर दो, जाओ। Ah!
साथ में मरते तो उसका मजा कुछ और ही है। मुझे मारने आए थे चावला को, जानते नहीं चावला का दूसरा नाम मौत है, मौत। और मौत को कभी मौत नहीं आती। अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो जल्दी करो, चले चलो। अबे यार कौन? सिकंदर तुम? हाँ मैं। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम इन्हें बचाने जरूर आएगा। शायद तुझे भी मेरे हाथों मरने का अरमान है। अरमान तो बहुत है चावला, कि तुझे मारूं और जिंदगी दूं, फिर मारूं फिर जिंदगी दूं, लेकिन तुझ में इतना दम नहीं है। देखते हैं किसमें कितना दम है। अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है। अब मैं कातिल हूं, अपने आपको कानून के हवाले करने जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है कांता, अब मैं कातिल हूं, गुनहगार हूं।
मैं जानता हूं तुम्हें गुनहगारों से सख्त नफरत है, इसलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं।